हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? बस आप लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। तो गाइस, हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट सीरीज 2 लेके। एंड गाइस, माइनक्राफ्ट सीरीज 2 के अंदर हमने जो है काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे बनाया है। एंड ये सब आप अगर सर्वाइवल वर्ल्ड में भी करते हो तो तब भी चलेगा। तो भाई लोग, बहुत ही अच्छा चीज़ हमने बनाया है, और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो गाइस, 3 स्टेप है। 3 स्टेप अगर आप कर लेते हो तो आप जो ऐसी चीज़ें लगातार बना सकते हो। तो 3 स्टेप क्या है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, वीडियो को लाइक कर दो। दूसरा, वीडियो को शेयर कर दो। तीसरा, चैनल पर नया आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू गाइस। तो चलिए गाइस, अभी हम देखते हैं हम क्या कुछ बना सकते हैं। नंबर 1 पर जो चीज़ आता है, उसका नाम है यहाँ पे वेंडिंग मशीन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर अगर हम ऐसे बटन दबाएंगे तो गाइस देखो क्या होगा। तो यहाँ तो गाइस सॉरी, थोड़ा मैकेनिज्म में प्रॉब्लम था। अब गाइस जैसे मैं इसका बटन दबाता हूँ, यहाँ पे ये देखो क्या होगा। और यहाँ पे देख सकते हो, ड्रिंक वाटर निकल गया है। ओके, बहुत हार्ड। इस तरीके से आप उसको खा सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो इसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए है वो है गाइस, सबसे पहला गाइस जो मेन सामान होता है वो है गाइस यहाँ पे रेड कंक्रीट। रेड कंक्रीट के बाद यहाँ पे आपको चाहिए जो होगा, सबसे पहले गाइस इसका ही यूज़ दिखाता हूँ। इसके लिए आपको जो यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर एक ठीक है, थोड़ा सा ऊँचा एंड कुछ इस तरीके से, रुके गाइस थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गाइस देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको जो है एक इसी तरीके का एल शेप बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे बनाने के बाद ही आपको जो चीज़ चाहिए है वो है यहाँ पे बुक सेल्फ। बुक सेल्फ आप जानते हो क्या होता है। तो बुक सेल्फ, दो दो बुक सेल्फ लेना है एंड इसको यहाँ पे बंद कर देना है। तो दो बुक सेल्फ लेने के बाद यहाँ पे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे देखे जाना है कि अच्छे से बैठ रहा है या नहीं। तो बिठाने के बाद आपको जो बुक सेल्फ को इस तरीके से लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है ग्लास, ट्रांसपेरेंट वाला लेना है, कोई और नहीं। तो इसके बाद इसको लगाने के बाद आपको जो चीज़ है कवर, ठीक है ना। तो कवर चाहिए होगा। तो कवर आप अगर अपने रेड बनाए तो आपको रेड कवर चाहिए होगा। सॉरी, यहाँ पे आपको रेड कवर लगा देना है। देख सकते हो गाइस ठीक ठाक लग रहा है ना। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पे प्रेस कर देना है एक चीज़ को। पहले तो गाइस आप ये मतलब क्या बोलते हैं, एक बैनर ले सकते हो। अब बैनर सर्वाइवल में कैसे बनाना है, इस पर तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज यूट्यूब में पड़ी है, तो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा। एक बैनर लगा सकते हो या फिर मेरे जैसा बना सकते हो। बैनर लगाने के बाद आपको जो चीज़ की चाहिए वो आइटम फ्रेम, एंड जो चीज़ आप वेंडिंग मशीन में रखना चाहते हो वो चीज़ आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर कौन सी चीज़ रखूँ गाइस अभी के टाइम पे, तो चलिए कुछ डिसाइड अभी तक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वेंडिंग मशीन जब बनाया ही है तो क्या ले गाइस भाई बताओ यार, कोई बताओ। चलो गाइस, यहाँ पे आप लोगों का मतलब जो फेवरेट चीज़ होता है मेरा वो ये वाला है। तो यहाँ पे लेना है एंड गोल्डन एप्पल रख देना है। ये सब होने के मतलब ये लगाने के बाद जो कि आपको क्या करना है, तीसरा एक काम है यहाँ पे देखो, ये जो है ना इसको तोड़ देना है। इसको तोड़ने के बाद देखो ये जो है ना इसको भी तोड़ देना है। उसके बाद आपको लेना है एक डिस्पेंसर, और वो चीज़ जो आपने ली है। तो मैंने कौन सी चीज़ ली, मैंने आप लोगों ने देख ही लिया है, मैंने गोल्डन एप्पल लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है एक स्विच लेना है, तो ये वाला। उसके बाद डिस्पेंसर को किसी भी तरीके से प्लेस कर दो, और ये होने के बाद ये एरिया ना दिखे इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। और ये देख सकते हो, आप चाहो तो पाउडर यूज़ कर सकते हो या फिर ये कंक्रीट यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देख सकते हो
ओ सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ओके मैंने डाला था, मैं भूल गया भाई। देखो चलो गाइस, यहाँ पे अभी मान लीजिए मुझे गोल्डन एप्पल चाहिए, तो मैं जैसे ये बटन दबाऊंगा, ओके गाइस यहाँ पे गोल्डन एप्पल आ गया। चलिए इसको खाते देखते। तो ये अपना सेकेंड चीज़ जो है वो है गाइस नेटफ्लिक्स का बैनर। आप देख सकते हो गाइस क्या ही मस्त लग रहा है बैनर। तो गाइस अभी हम बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स के बैनर को बनाने के लिए आपको क्या कुछ सामग्री चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो मैं भाई अपने नेटफ्लिक्स का बैनर बहुत ही ज़्यादा कीमती है तो उसके यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या चाहिए, तो गाइस आपको सबसे पहले लूम ले लेना होगा, एंड उसके बाद आपको क्या लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस इसके लिए आपको जो है यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि रेड डाई और ब्लैक डाई आपके पड़े रहते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना लूम बिठाना है, लूम बिठाने के बाद यहाँ पे ब्लैक बैनर बिठाना है ना रेड बैनर बिठाना है, एंड उसके बाद ये एक ऐसा थप्पा मारना है। उसके बाद इसको जड़ से फेंकना है साले को। उसके बाद आपको ये वाला ले लेना है भाई भाग ऐसे, और उसके भाई क्या है? उसके बाद ये नेटफ्लिक्स ये वाला छपवा लेना है। उसके बाद काला रंग का ये वाला ले लेना है। उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा को इस तरीके कर देना है, दूसरा हिस्सा को कुछ इस तरीके कर देना है। गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मोटा सा राउंड मारना है आपका यहाँ पे मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स का जो यहाँ पे जो बैनर होता है ना, तो वालों को उस बैनर को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था। तो गाइज यहाँ पे मैं दोबारा बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ध्यान से दोगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, एंड उसके बाद क्या करना है कि सब देखो यहाँ पे जाना है, एंड उसके बाद एक कट मार लेना है कुछ इस तरीके से जैसे कि नेटफ्लिक्स में मारा होता है। उसके बाद आपको काल्ठा मतलब ब्लैक डाइट लेना है, देन उसके बाद ये जो नेटफ्लिक्स है उसको इस तरीके से कर देना है। देन देखो नेटफ्लिक्स का बैनर हो गया। आप सोचो कि यहाँ पे ब्लैक बैनर क्यों लिखा रहा है, तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर तुम लोगों को पे लिखना है तो किस तरीके से मैं आपको बता दूँ, एक एनविल ले लो गाइस, एक एनविल को यहाँ पर बिठा लो, एंड फिर उस बेवकूफ़ बैनर को इसमें बिठा लो, एंड उस बैनर को बिठा लेना है आपको। एंड अगर आप अगर इसके जो यहाँ पे लोगो है ना, इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा और डीप करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक ये देख सकते हो वो कुछ इस तरीके से मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा डीप हो जाएगा, आप कर सकते हो, इतना ज़्यादा डीप आप कर सकते हो। बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप करो, बिकॉज थोड़ा भद्दा दिखता है। चलो गाइस कोई नहीं, अभी वो बैनर निकल गया यहाँ पे, एंड ये वाला बैनर है। तो इसके बाद इसको कटना है, एंड आप लिख सकते हो नेटफ्लिक्स, देखो नेटफ्लिक्स लिख दिया, यहाँ पे आवाज़ आ गई। तो ये देखो नेटफ्लिक्स। तो अब मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ इंडिया का भी बैनर। तो वैसे आप जानते हो इंडिया का बैनर बनाने के लिए आपको क्या करना है, देख लो सिंपल प्रोसेस है। थर्ड स्टेप जो इंडिया का बैनर है उसको बनाने के लिए आपको जो है ये वाला पत्ता ले लेना है, एंड ये वाला पत्ता लेने के बाद आपको जो है कलर ले लेना है। अब ले सकते ये वाला कलर लेते हैं, मैं ये वाला कलर लूँगा और आप ये वाली ले सकते हो, एंड ब्लू ब्लू कलर भी ले लेना बहुत है। चलो गाइस अभी अरे भाई एनविल में सॉरी गाइस, लूम को बिठाना है, लूम आपने बिठा कर रखा होगा, आई डोंट नो, आई नो गाइस आप लोगों ने बिठाया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से पहला बिठाना है, एंड वाइट को अपने साथ रखना है ताकि वो सारा भाग ना पाए। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला बिठाना है, इस वाले को भी बिठा देने के बाद आपको मिडिल में एक एक्स लगाना है, एक्स नहीं क्या होते जो भी हो ये वाला लगा देना है। एंड ये लगाने के बाद आपको इसके ऊपर जो है क्या लगाना होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो तो इसके ऊपर आपको जो है एक डी मारनी होगी, ये वाला वाइट डी नाम से एक मतलब एक डाई होती है, ये वाला लगाना है। एंड इस तरीके से नहीं गाइस वो कैसे करते भाई, हाँ थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हो लोग, और ये मोटा साइज़ का बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको अगर पतली साइज़ का बनाना है तो बताऊँगा। तो सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारा नॉर्मल इंडिया का बैनर। अब अगर आपको ये मोटा इतना मोटा नहीं चाहिए
तो आपको दूसरा स्टेप भी यहाँ पे तुम लोगों को दिखा रहा हूँ दूसरा स्टेप पे क्या करना है। दूसरा स्टेप में एक बैनर लेना है, एक बैनर लेने के बाद इसको इस तरीके से करना है। ये मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना। ये मतलब ऐसे बनाओगे तो अच्छा लगेगा ज़्यादा, ठीक है। एंड मैंने उसमें वो यूज़ की थी, तो तुम लोगों को भाई कह रहे होगे कि भाई मेरा फेवरेट, तो ये देख सकते हो। ये यहाँ पे लाइम कलर ले लिया हूँ, एंड उसके बाद लाइम डाई को प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपको जो एक ये कट मारना है, कट मार लेने के बाद आपको ब्लू डाई एक और बार ऐसे क्या करना है, इसको चिपका देना है। चिपका देने के बाद आपको जो है एक वाइट डाई लगा सकते हो अगर आपका मन पसंद हो तो, नहीं तो गाइस ये रेडी हो चुका है। देख सकते हो इस दोनों बैनर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप जैसा मन आपका बैनर बना सकते हो। वैसे दोनों बैनर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये बैनर मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं ऐसे ही बनाऊँगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे आप लोग बताना। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है। और तुम लोग गाइस वीडियो का भी लाइक नहीं कर रहे हो तो ऐसे कैसे चलेगा गाइस, टेल मी गाइस हाउ ऐसे कैसे चलेगा। तो गाइस तुम लोग सब्सक्राइब कर नहीं कर रहे हो, ये सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, 100 सब्सक्राइबर का एम है गाइस। 100 सब्सक्राइबर होने पर तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक गिव अवे दूंगा, मेगा गिव अवे दूंगा। तो 100 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।